अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अमाद गिलानी। बिल्ड योर वोकैबुलरी में फाइव सेंटेंसेस हैं उर्दू के हमारे पास, जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, अपनी शर्ट कमीज अंदर करो। हम अगर किसी को कहते हैं कि अपनी शर्ट अंदर करो, कमीज अंदर करो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में से कहेंगे टक इन योर शर्ट, टक इन योर शर्ट। फुर्सत ही नहीं है, बाज वक्त हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, हमारे पास काम ही काम होता है, फारक नहीं होते बिल्कुल, हम कहते हैं फुर्सत ही नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे डोंट हैव द लीजर, डोंट हैव द लीजर। मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे आई फेल अस्लीप रीडिंग बुक, आई फेल अस्लीप रीडिंग बुक। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कोई काम ही नहीं है। बाज औकात हम किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि मेरा उस शख्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई काम ही नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। मेरे कलम की स्याही खत्म हो गई है, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है, मेरा पेन खत्म हो गया है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे माई पेन हैज रन आउट ऑफ इंक, माई पेन हैज run out of ink।